दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में मिस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम साथ ही आपको ये बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने जो खुलासा किया है उसमें आप हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। हार्दिक पांड्या ने जो कॉफी विद करण में कहा था वो गलत था या सही, वो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हार्दिक पांड्या ने एक नया खुलासा कर दिया है जिसके बाद शायद आप हार्दिक पांड्या को और लाइक करने लगे। दरअसल कॉफी विद करण के बाद जब हार्दिक पांड्या पर आरोप लगे थे कि वो किस तरह की अभद्र लैंग्वेज और गंदी बातें एक टीवी चैनल पर कर रहे हैं और उसके बाद उन पर बैन भी लगा दिया गया था, अब उसी को लेकर हार्दिक पांड्या ने खुलासा कर दिया है कि कॉफी विद करण के शो के बाद जब उन पर ये सारे चीजें हुई तब वो 10 दिन तक अपने कमरे में बंद रहे और पागल से हो गए थे, जिसके बाद उनके भाई ने उन्हें संभाला और टीम इंडिया के लिए उन्होंने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। और जब उन पर बैन चल रहा था तब वो सभी से बच बच कर इधर से उधर निकलते थे। आपका क्या मानना है, हार्दिक पांड्या एक बेहतर खिलाड़ी हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हार्दिक पांड्या के उस वाक्य को आप कैसे देखते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में मिस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।